हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपना पीपीटी में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे आपको ये है और उसका टॉपिक है मेक अ रिपोर्ट। जैसे आपका कोई आ गया, जैसे कि आप मान लो आपका हॉलीडे होमवर्क्स भी चल रहे हैं, इसका आजकल हॉलीडे हुई है, तो अगर आपको हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चन आ जाता है मेक अ रिपोर्ट मॉडल और कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन एन एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक डिफरेंट मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो डिफरेंट मोड ऑफ प्रिजर्वेशन में हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हम हमेशा की तरह यही चूज करते हैं, और आपको पता भी होगा कि मैं प्रेजेंटेशन किस पे बनाता हूँ, तो हमारे आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, आपको मेरी आवाज़ तो अच्छे से आ रही है ना? मैं गाइस मैं आपको एक बार चेक कर रहा हूँ, हाँ आ रही होगी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मैं OTS ये चूज़ करता हूँ, आपको पता ही चल गया होगा, कोई बात नहीं। जल्दी से लोड हो रही है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी नेट के सिग्नल नहीं अच्छे आ रहे। वैसे मेरा नेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर आज पता नहीं नेट के सिग्नल्स को क्या हो गया, कम आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने हमेशा की तरह अपना टॉपिक देंगे। क्या है हमारा टॉपिक? डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, पर हम लिखेंगे सिर्फ मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो चलो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह कैपिटल लिखेंगे, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से लिख दिया, पर इसमें एक गलती होती है, हम इसको पी को भी कैपिटल लिख देंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ये आ गया, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ले क्यों नहीं सकता, मैं इसे ले क्यों नहीं पा रहा गाइस। अच्छा मुझे पता, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन लिख देंगे और उसका हम सब टॉपिक लिख देंगे कि मोड ऑफ प्रिजर्वेशन होते क्या है। गाइस अभी नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए वो कह रहा है कि आप नहीं ले सकते। तो गाइस रुको रुको गाइस, मैं अभी आपको अच्छे नेटवर्क से कनेक्ट करके देता हूँ। तो गाइस अभी नेटवर्क अच्छे से हो चुका है, अब हम लिखेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल। तो जब मोड ऑफ प्रिजर्वेशन लिख सकते हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल लिख के कि मोड ऑफ प्रिजर्वेशन होते क्या। तो मैं हमेशा की तरह दूसरी जगह पे जाऊंगा और लिखूंगा मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो चलो लिखता हूँ मैं। ये क्या आ गया, पोस्टल हमें नहीं पोस्टल क्वेश्चन कर देंगे जल्दी, एक मिनट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरा नेट का, तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन में जाके ऑल पे जाएंगे, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन डेफिनेशन चाहिए हमें। यहाँ पे फॉसल आ रहा था, हमें डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन हम डेफिनेशन पे जाएंगे। ये आ गया, तो आपको टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग कीजिए, मैं ऐसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, मुझे ऐसे ईजी लगता है थोड़ा, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये देखिए इतने बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड आए हैं, ये अभी मैं लूँगा। पहले मैं मेरी ना ट्रिक है, जैसे मैं सारा करता हूँ तभी मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉसल और प्रिजर्व, अब इसको हम अच्छे से वो क्या करते हैं, अच्छे से बड़ा छोटा करके बाद में करेंगे, पहले हम ये चूज़ करेंगे क्योंकि उसी के हिसाब से बड़ा छोटा करेंगे ना। मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि इसके साथ में मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, तो वो लगा दूंगा। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ मैं क्योंकि ये पूरा आने रहा, इतना छोटा नहीं यार, ऐसे तो मत करो, बड़ा करो बड़ा। यस, ये क्या हो रहा है गाइस, कोई ताने क्या हो रहा है, अलग ही चक्कर है,
कोई बात नहीं, हम इसे अभी इसका क्यों बड़ा हो रहा है, सबका करो ना। चलो आप कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बस मैंने इसको ऐसा रखा है, अब जैसे जैसे मैंने इस वर्ल्ड को हाईलाइट किया तो मुझे ऐसे दिखाना था, मैं ऐसे दिखाऊंगा। पर मूड ऑफ प्रिजर्वेशन को थोड़ा मैं और ऊपर ले जाऊंगा, और यहाँ पे एक पिक्चर रख दूंगा मूड ऑफ प्रिजर्वेशन की, जैसे इमेजेस में जाके मैं इन सब के लूँगा, क्योंकि मैं एक एक मेथड अभी नहीं लिख रहा, अभी मैं दो दो मेथड करके लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लूँगा और पेस्ट कर दूँगा इमेज। पेस्ट क्यों नहीं हो रही, हो गई। ऐसे मैं साइज एडजस्ट करके बड़ा कर दूँगा, ऐसे अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे लगाऊंगा। मैं अपना फेस कैम बंद कर देता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस फेस कैम मैंने बंद कर दिया है, तो हमने ऐसा कुछ मैंने बना दिया। और अब हम फिर से इंसर्ट करेंगे न्यू स्लाइड, हमें ऐसे ब्लैक नहीं चाहिए, मैं ये वाली स्लाइड यूज़ करता हूँ हमेशा। स्क्रीन रिकॉर्डर सही से क्लिक टू ऐड टाइटल करूँगा। अभी हम ये चूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लिख देते हैं टॉपिक, फिर अच्छा लगता है। तो हम फर्स्ट मोड ऑफ प्रिजर्वेशन की तरफ से जाएंगे, जो है रेफ्रिजरेशन। तो गाइस रेफ्रिजरेशन है वो, ये मैंने सॉरी गलत लिख दिया, चलो कुछ आपसे हो गया, मुझे स्पेलिंग आती थी पर मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूँ, थोड़े टेक्नोलॉजी आ गया। अब इसको हम कॉपी कर देंगे, कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके फिर से रेफ्रिजरेशन लिख देंगे कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन। अरे यार रेफ्रिजरेशन लिखना था, रेफ्रिजरेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारा मैं लिख दूंगा, उस पर कॉपी करना है पेस्ट। और मैं इसको थोड़ा उसमें कर देंगे, और लास्ट में मैं ट्रांजिशन वेजिशन लगाता हूँ, और एनिमेशन सारी मैं लास्ट में लगाता हूँ। नीचे तो नहीं जा रहा ना, स्लाइड से बाहर जा रहा है। थोड़ा गाइस इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा था मुझे। नहीं गाइस एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, हाँ हो सकता है कुछ, अगर इसको मैं रेफ्रिजरेशन में लिखो ऐसे ऊपर कर दूँ, या सब इसको मैं ऊपर कर दूँगा इजी। तो गाइस मैंने सारा लिख दिया, रेफ्रिजरेशन को अब अच्छे से हाईलाइट करूँगा मैं, कि बड़ा सा दिखे बोल्ड बोल्ड की ये रेफ्रिजरेशन है। तो उसको करेंगे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, स्टाइल में सेंड करूँगा, लोड हो जाओ। PT प्रो ब्लैक करूँगा मैं, ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा और बढ़ा दूँगा, बस ऐसे गुड लग रहा। पर मुझे कलर भी चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज करूँगा। गैस मैं आपको ये सब कलर चेंज करना ये सब इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि ये सब आपको आता होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स तभी मिलते हैं जब आपको ये सब आता होता है। तो मैं रेड नहीं, आधा क्यों हो रहा है, पूरे को रेफ्रिजरेशन ने रेड कर दिया। तो ये ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ,
ये क्या है, ड्राई वॉश नहीं है। और हम फिर से मैकेनिकल इमेजिंग एनर्जी लिख देंगे, और इसको हम थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं, बड़ा ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा उसे ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि इसको और थोड़ा ना छोटा कर देता हूँ, और साइज भी छोटा कर देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया, और ज़्यादा बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं छोटा करके यहाँ पे नीचे रेफ्रिजरेशन हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो भी लिख देता हूँ। तो इंसर्ट पे हम टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं, हमने तो ये लिख दिया ना, डिलीट करके रेफ्रिजरेशन की फोटो डाल दी। हम रेफ्रिजरेशन के फोटो डालेंगे, ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इमेजेस, ये मुझे इमेज अच्छी लग रही है तो मैं ये लूंगा गाइस। इसको हम छोटी करके पेस्ट करेंगे, इसको ये ऐसा अच्छा लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे अच्छे से, सारे गैप वैप को देख के थोड़ा चौड़ा कर देंगे बस। अब ये छोटा ही अच्छा लग रहा है, मैंने पहले ये चूज ही नहीं किया था, मुझे करना चाहिए था चूज, मैं भूल गया था। तो चलो रेफ्रिजरेशन हो गया, हमें सिर्फ 3 मेथड लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर उसका फाइल का साइज़ बड़ा होता है, फिर आप सेंड भी नहीं कर सकते उसे अच्छे से। तो एक और इंसर्ट न्यू स्लाइड करेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे सेक्शन हेडर वाला, और हम 3rd मेथड लेंगे पिकलिंग। तो इसमें पिकलिंग लिख देते हैं, गलत स्पेलिंग, ऑफ कोर्स गलत स्पेलिंग लिखी होगी मैंने, पिकलिंग PICKLING, पिकलिंग, यस। तो गाइस पिकलिंग, जैसे आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप अचार वचार खाते हो तो उसे पिकलिंग कहते हैं। ये अच्छा लग रहा है, कहीं चला ना जाए, ये मैं पहले ही ले लेता हूँ फूड वाला, पिकलिंग वाला। तो जैसे हम अचार वचार डालते हैं तो उसमें हम थोड़े सॉल्ट वॉल्ट डालते, तो इसलिए गाइस मैं आ चुका हूँ। अब हम लिखेंगे पिकलिंग, मैंने गलती से उसे इरेज कर दिया था, पिकलिंग, हमने पिकलिंग अच्छे से लिख दिया। और क्लिक टू ऐड टाइटल पे जाके, ओ ये बार बार हट क्यों रहा है, अभी गलत एंगल पे सेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसे करके यहाँ पे लेंगे, और अब लिख देंगे कि ये होता क्या है, पिकलिंग मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, नहीं प्रिजर्व पिकलिंग की, पिकलिंग साइंस, पता नहीं क्या है पिकलिंग। और हमें जैसे कि इसकी फोटो तो ये अच्छी लग रही है, इसे पहले मैं कॉपी इमेज कर दूंगा, ये ठीक लग रही है फोटो, पर अभी हमें फोटो की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डायग्राम लगा दिया था। पिकलिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर आपको ऊपर ना दिखे तो आप नीचे से भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए सही रहेगा। मैं कभी कभार जब ऊपर दिखते हो ऊपर लेता हूँ, मुझे जो बेस्ट लगती है मैं वो कर देता हूँ। पेस्ट का पिकलिंग। तो गाइस अगर आप सोच रहे कि ये तो सिर्फ बनाते हुए सिखा रहा है, कुछ सिखा नहीं रहा, गाइस मैं आपको यही सिखा रहा था कि इसे बनाते कैसे हैं, क्योंकि बनाना कुछ आसान काम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा था सबसे पहले मोड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये क्या होता है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये यूज़ कीजिए, ये वाला सॉफ्टवेयर जिससे कि आप कर सकते हैं, भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, पर ये ऑनलाइन है आपके साथ, अगर विंडोज़ 10 है तो आपको मिलता है। मेरी भी विंडोज़ 10 है, पर हमने बोल लिया ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो ये कलर नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसका कलर चेंज करके थोड़ा डार्क सा करूँगा, जैसे कि आप मान लो मैं करूँगा
सियान अच्छा लगता है, सियान सियान सियान, इसमें सियान कहाँ, ये लाइट ब्लू सही लग रहा है, मैं लाइट ब्लू कर दूंगा, चेक करते हैं। ऐसा थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है, नहीं मुझे ठीक लग रहा है, मैं तो ये लूँगा। नो कमेंट्स की ये कैसा कलर किया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। जो आपकी चॉइस है, आपको जो मर्जी करना है। अब हम इसको हम चेंज करेंगे बिल्कुल बोल्ड, इसका कलर चेंजेस टू दिस ब्लैक। और हम हमेशा की तरह लैंग्वेज चेंज करके, ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज तो मैं वही लूँगा, पीकॉम करेंगे कैपिटल पिकलिंग। सो गाइस हमारा फर्स्ट वेफर ये भी बन चुका है, तो अब हम जाएंगे सेकंड स्लाइड की तरफ। न्यू स्लाइड लेंगे, सेक्शन हेडर ऑफ कोर्स एंड ऐड स्लाइड। सो गाइस हमारे पास अब दूसरी स्लाइड आ चुकी है, तो दूसरी स्लाइड पे तीसरा मेथड हम सजेस्ट करेंगे। हम क्या सजेस्ट करें गाइस, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, तीसरा मेथड सजेस्ट करते हैं। सो गाइस हम तीसरे मोड ऑफ प्रिजर्वेशन की तरफ आ चुके हैं, जो है कैनिंग। कैनिंग तो जैसे आप खाते हो पैक फूड कहते हो, कैन में जो डाला होता है वो वाला फूड खाते हो, तो उसे वो कैनिंग कहते हैं। वो आपको पता ही होगा कैनिंग, और पर उसकी एयर निकालोगे तभी वो फ्रेश रहेगा। जैसे आप नॉर के नूडल्स खा लेते हो, ये सब खाते ही हो आप लोग, तो इसे वो कैनिंग में आते हैं। जूस पीते हो वो कैनिंग हो गया, उसकी गैस नहीं निकलती तो वो कैनिंग होता है, वो फ्रेश रहता है। फ्रेश तो नहीं समझ जाओ ना, बस मोड ऑफ प्रिपरेशन डेफिनेशन नहीं, इसको हटा ही देते हो, कन्फ्यूजन हो रही है। Can. What does scanning? मैंने गलत लिखा शायद, एक सेकेंड गैस, मुझे भी लग हाँ scanning, wait a minute, what? Scanning, yes, देखा ये हमें लिखना है scanning, और scanning होता क्या है? What scanning method of ये हम copy करेंगे, कहते हैं मतलब स्पॉइलर स्टोरिंग कर लो। ओ भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था, ओ माय गॉड। तो हम इसे यहाँ पे अभी पेस्ट तो नहीं करना, मैं डेफिनेशन है ना उसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट की कैनिंग होती क्या, उसको हम थोड़ा ये तो बाहर जा रहा है प्रेजेंटेशन से, अच्छा नहीं लगेगा, मैं हमको दिखाई नहीं देगा कैनिंग। गाइस मैं चुप नहीं हूँ, वो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा ऐसे काम में ध्यान कर दिया, अब इसका मुझे लग नहीं रहा कि इसको मुझे ज़रूरत है करने की, तो पर अब हम सीधा न्यू स्लाइड पे आएंगे। ये आपकी ये ऑप्शनल है, आपको करना है नहीं करना है, मैं हमेशा लिखता हूँ थैंक यू हमेशा लिखना चाहिए। बस मैंने लिख दिया थैंक यू बाय सार्थक, ये अच्छा लग रहा है। ओके गाइस ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन अभी नहीं बनी है, अभी सबसे मेन चीज ट्रांजिशंस। तो गाइस वो भी हम डाल सकते हैं जल्दी, एनिमेशंस पहले ट्रांजिशन डाल लेते हैं, कट एनिमेशन प्रिपेयर।
और यहाँ पे हो गया और फ्लाई इन, और यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन वो डालेंगे रैंडम बार्स और स्ट्रेच, फिर उसके बाद कैनिंग में, सिर्फ कैनिंग में इस पे डालेंगे एयरप्लेन, मेरा फेवरेट, इस पे एक बार मैं एक और डाल देता हूँ ओरिगेमी, यस ये भी मुझे अच्छा लगता है। और हम जाके एनिमेशन होता है, इतना भी नहीं पता, भूल गया पता, मुझे बहुत पता है। रैंडम बार अपेयर तो नहीं अच्छा लगता इतना, वाइप कर दूंगा और वक्तों के मैंने कर दिए। कैनिंग इसमें मैंने लगाई नहीं लगाई, इसको मैं ग्लो श्रिंक कर दूँ, हाँ ये कर दूँगा। ये बड़ा नया लग रहा है मुझे, लाइन कलर क्या है, फिल कलर, हाँ फिल कलर हो देते हैं। चलो ठीक है, अब चलो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ फुल प्रेजेंटिंग मोड में। थोड़ी देर का तो गाइस, इसके बाद रेफ्रिजरेशन ये सब, ये मैंने थोड़ा इसमें एडिट किया थोड़ा सा, पिकलिंग को ना थोड़ा बड़ा करना और इसको छोटा करना, और यहाँ पे ना वो हटा के आप ये लिख सकते हो, ओके, और ये ही बेटर रहेगा। और आप थोड़ा एग्जांपल्स भी लिखना, नो फ्रॉम सार्थक मैदान सिक्स वी। तो थैंक यू गाइस, एक मिनट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगले नए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।